बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। प्रोग्राम में खुश आमदी दर्ज करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम हालात हाजरा से मुतालिक मौजूआत पर गुफ्तगू करते हैं, जिसमें हमारे साथ स्टूडियोज़ में और दुनिया भर से ऑनलाइन मेहमान शरीक होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना की वबा इस वक्त जो है सारी दुनिया पर छाई हुई है। तकरीबन आधी दुनिया, आधी आबादी दुनिया की जो है इससे मुतासर है, ब्लॉकेट का शिकार है। कुछ इसका वैसे वायरस से मुतासर हुए हैं और कुछ अपनी जान की बाजी भी इसमें हारे हैं। और पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि जो इंसानों की एक सामाजिक सूरत हाल थी वो बिल्कुल एक बदल गई है इन कुछ कुछ ही दिनों में, कुछ माह में। और मसलन एक मेल जोल जो इंसानों का आपस में था, अब सूरत हाल बिल्कुल तब्दील होकर इंसान इंसान से बिल्कुल दूर हो गया है, कट ऑफ हो गया है। आइसोलेशन या कतरीना सेंटर्स की इस्तलाह जो हम सुन रहे हैं आजकल अपने अपने घरों में, और इसकी वजह से और इस वायरस से बचने के लिए हर बंदा एक दूसरे से दूर होता जा रहा है। सब अपने घरों के अंदर महसूर होकर रह गए हैं। और इसके बाद जो अगला स्टेप ये आया कि महसूर होने के बाद, एक दूसरे से दूर होने के बाद, अपने अपने कमरों और घरों में महदूद होने के बाद, तमाम इंसान जो है वो मीडिया के सामने आके बैठ गए हैं। और जो मीडिया पे सुबह शाम सोशल मीडिया पर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पेश किया जा रहा है वो सिर्फ वही सुन सकते हैं, इसके अलावा सारी दुनिया से वो कटे हुए हैं। और उसमें जो सबसे अहम पहलू है वो है परागंदगी, कन्फ्यूजन। हर इंसान जो है वो हम देख रहे हैं कि कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, हरासां है, खौफ है, डर है। मसलन कुछ वीडियोस जैसा कि हम सोशल मीडिया पे देखते भी हैं, मज़ाहिया वीडियोस के तौर पर भी बनाई जाती है कि शख्स है वो बार बार जो है अपने हाथ धो रहा है, हर चीज़ को धोने लगा हुआ है, मसलन कुछ बहुत ज़रूरत से भी बहुत ज़्यादा मसलन कर रहा है। तो वो मसलन जिस तरह के तो कुछ इंसान वहमी टाइप कह सकते हैं कि इस सूरत हाल तक जो है पहुंच गए हैं, और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि हम कैसे जो है इसको बचें। बहुत उन्होंने जो है मसलन मज़ाक में जो बातें की जाती थी उनको भी संजीदगी से अपना लिया है, और उनका ज़िंदगी का तर्ज ज़िंदगी है वो बहुत हम देखते हैं कि वहमी किस्म का वो बन गया है। तो इसी हवाले से हमने इस परेशानी को कम करने के लिए, इस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा कम करने के लिए हमने तय किया कि हम आज कोरोना के ही मौजू पर बात करेंगे। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑनलाइन हैं डॉक्टर आबिद साहब, जो कि पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट भी हैं और डेंटिस्ट भी हैं, और इसी हवाले से हमने उनको अपने प्रोग्राम में शिरकत के लिए दावत दी है, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम दुआ गो हैं कि खुदा आपको जो है वो इस वबाई जो इस वक्त चल रही है पूरी दुनिया में सूरत हाल, इससे अपने आप को आपको महफूज रखे, और इंशाल्लाह आप जो खिदमात इंसानियत के लिए अंजाम दे रहे हैं वो जारी रख सकें, बहुत अच्छे तरीके से जारी रख सकें इंशाल्लाह। हम आपसे इस मौजू पे ही बात करना चाह रहे थे कि जो एक कन्फ्यूजन और परेशानी का आलम पूरी दुनिया पर छाया हुआ है, खुसूसन पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं, तो ये आखिर कोरोना 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 इतनी इस्तलाह सुन ली कि ये कोरोना है क्या? कोरोना जैसा कि आप मीडिया पे भी देख रहे हैं और आपके पास कुछ रिपोर्ट्स भी आई होंगी, कोरोना एक वायरस है, एक वायरस की किस्म है, और बेसिकली वायरस जो है वो एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर दो टाइप्स होती हैं, एक डीएनए वायरस कहते हैं एक वायरस को, और एक होता है आरएनए वायरस। तो ये कोरोना की फैमिली है, ये शुमार होती है आरएनए वायरस के अंदर। की खसूसियत होती है ये तेज़ी से मल्टीप्लाई करके अपनी जो ग्रोथ है उसको बढ़ाते हैं, और इनके ऊपर कोरोना इसको इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रोटीन प्रोटेक्टिव लेयर है फैट की, जो इसको प्रोटेक्ट रखती है। अगर हम इसको नॉर्मली ये अफेक्ट करती है लंग्स को और जितना भी निज़ाम है तनफ्फुस का उसको, अगर इसको सवालो कर लिया जाए तो नॉर्मल जो वायरस होते हैं अगर उनको सवालो कर लिया जाए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं गैस्ट्रिक एसिड की वजह से। अगर इस जो ये वायरस है इसके ऊपर जो कोटिंग है उसकी वजह से ये अगर जो एक्सक्रीशन है बॉडी उसके अंदर भी ये अपने आप को महफूज रखता है, तो यानी ये फैलने का तरीका एक ये भी हो सकता है कि अगर कंटेमिनेशन हो जाए वाटर की तो उससे भी चांसेस है कि ये फैल सकता है। सही, तो अभी मसलन इस सूरत हाल में फिर हम इससे कैसे बच सकते हैं, कैसे अपने आप को इससे दूर रखें, महफूज रखें? देखिए ये एक वायरस है, एक ऐसी वबा है कि जो एक इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल हो रही, और
इसमें जो एक कॉन्सेप्ट है सोशल डिस्टेंसिंग का, यानी आप लॉकडाउन हम आजकल जो कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया में, हम देखते हैं जो एक टर्म राइज है वो लॉकडाउन की, या ऑलमोस्ट लाइक कर्फ्यू। सही एक सिचुएशन ये है कि हम ये करके लोगों को दूर रखें, जबरदस्ती दूर रखें, और दूसरी ये है कि लोग खुद अवेयर हों इस सिलसिले में और अपना एक डिस्टेंस रखें दूसरे इंसान के साथ, यानी अपनी रोजमर्रा की मामूलात भी जारी रखें मगर एक डिस्टेंस के साथ। जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कुछ कंट्रीज में इसी तरह से हो रहा है कि लोग अपनी जो मामूलात है उनको उन्होंने जारी रखा हुआ है मगर एक डिस्टेंस रखा हुआ है, हिफाजती जितनी तदाबीर है उसको फॉलो किया जा रहा है। इसके सही अंदर आप मास्क पहने, एक डिस्टेंस रखें और हैंड सैनिटाइजर का इसके अंदर रोल है, यानी आपने एक इंसान से ये दूसरे इंसान में जो मुंतकिल होगी वो एक तनफ्फुस के जरिए, यानी उसके जो वेपर्स हैं उसके जो सांस है, यानी आप एक इंसान जो सांस ले रहा है या छींक मार रहा है उसकी आप उस छींक की जो इम्पैक्ट है उससे दूर रहें ताकि वो आपको इफेक्ट ना करे। और अगर आप करीब हैं, जैसे डॉक्टर हजरात जो है वो ज़्यादा करीब होते हैं पेशेंट से एग्जामिन करने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो डॉक्टर हजरात हैं वो उनकी अपनी जानें भी दे रहे हैं इसके लिए, और वो जब इन्फेक्शन एक्वायर कर लेते हैं क्योंकि वो एक आप ये समझें कि उनके पास जो कंटेंट होता है, जो क्वांटिटी वायरस की जो इनहेल कर रहे होते हैं वो कंपेरेटिवली एक आम पेशेंट या एक आम बंदे से ज़्यादा होती है। इसी वजह से डॉक्टर्स की डेथ हम देख रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, चाइना में भी और बाकी कंट्रीज में भी और इवन पाकिस्तान के अंदर भी, तो उसकी एक वजह ये है। अगर हम डिस्टेंस रखें तो इंशाल्लाह इससे हम जो है वो एहतियात की वजह से महफूज रह सकते। सही, यानी कि इसमें गुंजाइश मौजूद है कि बिल्कुल ही हर चीज़ को एक लॉकडाउन किए बगैर भी इससे महफूज रहा जा सकता है, और अपने जो मसलन रोज़मर्रा काम है वो भी अंजाम दिए जा सकते हैं, इसमें गुंजाइश है। गुंजाइश है इसमें, मगर लोगों की एजुकेशन भी इसमें आती है ना, यानी एक इंसान जिसको कुछ श्योर नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, ना इस वबा के बारे में मालूम है, वो उसको एक मजाक ले रहा है, तो वहाँ पे जो है आपको ये देखने में नज़र आता है कि उनके ऊपर एक चीज़ के बारे में आगाही नहीं है, वो सेंसिटाइज नहीं है, तो डेफिनेटली इसको वो फॉलो नहीं कर सकते, यानी इसको वो कुछ बीमारी समझ ही नहीं रहे। और जहाँ पे लोग समझ रहे हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे एक शऊर का लेवल बेहतर है बाकी ममालिक से, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि लोग जो है वो इन तमाम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। सही, मतलब जो हुकूमतें इस अमल से गुजर रही हैं, जिन्होंने अपनी आवाम को शऊर और आगाही पहुंचा ली है, उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो इतना सख्त लॉकडाउन करें और ज़बरदस्ती लोगों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करें, बल्कि वो खुद ही अपने आप को बचा कर काम भी अंजाम दे रहे हैं और ख़ुद को महफूज भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सही, तो एक और चीज़ जो हमने इसमें देखी है, इस पूरे जो मरहला तय पाया है इतने कुछ अरसे में इस वबा ने, वो था इससे के बारे में कि जानकारी के मसलन मैं इससे मुतासर हुआ हूँ या नहीं, तो इसके लिए जो टेस्ट आए हैं और ये किट्स हैं, अव्वल तो है नहीं, है तो बहुत महदूद हैं, और अगर वो भी मिल जाए तो फिर वो टेस्ट हैं भी इतने महंगे, मसलन कि आम आदमी तो नहीं सोच सकता कि मैं मसलन इतने हज़ार का ये एक टेस्ट करवाऊँ, फिर मैं चेक करूँ कि मैं इससे मुतासर हुआ हूँ या नहीं हुआ, तो फिर इस सूरत हाल में वो क्या करें? देखें, एक नई वबा है और उस वबा के बारे में जो मालूमात है पूरी दुनिया की जो है वो उस बारे में जो मालूमात है वो बहुत कम है। इसी वजह से जो टेस्ट किट का हम फुकदान देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, यानी अमेरिका जैसे मुल्क को ईरान जो है वो कह रहा है कि हम आपको किट देते हैं इसकी टेस्टिंग के लिए, और पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्रेटजी फॉलो की गई है अभी तक जो सस्पेक्टेड केसेस थे यानी जिन पर शुबा था कि ये लोग इनको इनके अंदर हो सकता है किसी एक इंसान के अंदर वायरस, उनकी टेस्टिंग की गई, यानी 25,000 टेस्ट किए गए। उन 25,000 टेस्ट के बाद हम देखेंगे कि कितने केसेस डेवलप हुए हैं और उनमें से कितनी डेथ्स हुई हैं। अगर यही हम नंबर ऑफ टेस्ट इंक्रीज कर दें तो मेरे ख्याल से जो नंबर ऑफ केसेस है वो भी बढ़ जाएंगे। अब इसमें डेफिनेटली एक तो टेस्ट अवेलेबल नहीं है, और अगर टेस्ट अवेलेबल है तो वो उस बहुत महंगा है, आम आदमी की अप्रोच से बाहर है। अब एक आम आदमी अपने घर में राशन पूरा करे या टेस्ट वो करवाए, तो यहाँ पे जो मेरा ख्याल है हमें फोकस करना चाहिए कि हम प्रिवेंशन की तरफ ज़्यादा जाएं, यानी इस बीमारी को हम होने ही ना दें, इस तरह की तदाबीर इख्तियार करें, इस तरह का रवैया अख्तियार करें और इस तरह की प्रिवेंशन करें कि ये जो डिजीज़ है ये अपनी मौत आप मर जाए और आगे ना बढ़ सके। तो सही, उसके लिए जितने भी वायरसेस हैं जो पाए जाते हैं उन वायरसेस जो वो होते हैं वो मेजॉरिटी
उन वायरस की आपकी बॉडी के जब अंदर जाती है तो आपका जो अंदर जिस्म के अंदर एक निज़ाम होता है, मदाफियाती निज़ाम जिसे इम्यूनिटी कहते हैं, तो सही ये इम्यूनिटी जो है ये जो है इसका बड़ा रोल है तो जितने भी वायरसेस हैं उनके खिलाफ मुकावमत करने के लिए, मुकाबला करने के लिए। अब अगर हम पाकिस्तान में जो एक हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस कम है, उसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं बचपन से हमारे यहाँ एक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होता है, हर कोई एक वैक्सीनेशन लगवाता है और उसके नतीजे में बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, और इसी तरह जो फ्रीक्वेंसी है फ्लू की, नॉर्मल फ्लू की, वो हम जो वाइल्ड फ्लू होते हैं वो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा, यानी एक इंसान जो है, एक शख्स 1 साल के अंदर कई मरतबा इस वबा के अंदर मुबतला होता है, और वो खुद और अक्सर वो खुद से ठीक हो जाता है, उसे कोई एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं होती, और सिर्फ जो उसकी अलामत होती हैं उसको ख़त्म करने के लिए वो नेजल ड्रॉप्स वगैरह या एंटी एलर्जिक वगैरह वो लेता रहता है। सही, जिस सब के अंदर तो से ये जहाँ पे हम मुकाबला वायरस करते की हैं। बात करते हैं, हाँ जब हम वायरस की बात करते हैं या हम मदाफियत की बात करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ, तो वो जो जिस्म का हिस्सा है या जिस्म का जो कंपोनेंट है जो एक फोर्स की तरह काम करता है वो इम्यूनिटी है, सही, यानी हम ये कहें कि जो बॉडी की जो फौज है वो है उसकी इम्यूनिटी, और उस इम्यूनिटी के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स हैं, कुछ वायरस के खिलाफ एक्टिव होते हैं, कुछ बैक्टीरिया के खिलाफ एक्टिव होते हैं, तो ये अगर हमारी फौज इम्यूनिटी वाली जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड सेल्स के अंदर ही मौजूद होती है, ब्लड कंपोनेंट के अंदर, खून के अंदर, अगर ये तवाना तंदुरुस्त रहे और एक्टिव रहे तो हम इन बीमारियों का मुकाबला कर सकते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं अगर मुख्तलिफ वायरसेस वायरसेस की, एक वायरस है हेपेटाइटिस बी जो ब्लड से ब्लड के अंदर जी ट्रांस मुंतकिल होकर एक बीमारी कॉज करता है, सही, और जितने फॉर एग्जाम्पल मरीज हैं, ये चांस इस तरह से होता है कि अगर 100 मरीज इन्फेक्ट हुए हैं किसी उनको, तो उनमें से सिर्फ बहुत कम कलील परसेंटेज ऐसी है कि जो डिजीज उसके अंदर डिवेलप होती है, बाकी उसको सेल्फली हील कर जाते हैं, यानी उसको मुकावमत करके एंटीबॉडीज डिवेलप करके उस वायरस को अपनी बॉडी से ख़त्म कर देते हैं। और इसमें डेफिनेटली जो वैक्सीनेशन होती है, इम्यूनाइजेशन, उसका भी रोल होता है। तो जितनी भी चीज़ें, यानी एक हम इम्यूनाइजेशन को रिप्लेनिश करने के लिए, हम एक्टिव करने के रखने के लिए हम वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं, दूसरा इसमें रोल जो है वो आपकी गिज़ा का भी होता है, और कुछ गिज़ाई अज्जा, कुछ वाइटामिन्स ऐसे होते हैं कि जो आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। सही। जी तो और विटामिन्स की अगर हम बात करें तो मसलन कौन कौन से विटामिन हैं जो आप मसलन रिकमेंड करते हैं हमारे नाज़रीन के लिए, देखने वालों सुनने वालों के लिए, कि उनके ऊपर ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि वो हमारे कुव्वत मुदाफ़ियत को जो है वो बढ़ाएँ। देखिए, वाइटामिन मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, कुछ हम उस पर यहाँ पे बात नहीं करते क्योंकि नाज़रीन के लिए वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम आसान जबान के अंदर बात करते हैं ताकि हमारे जो नाज़रीन है वो समझ सकें और उस चीज़ को फॉलो कर सकें, उसको इस्तेमाल कर सकें कि बिल्कुल जिससे उनकी इंक्रीज़ होगी। इसमें सबसे जो बड़ा रोल है इम्यूनिटी को एक्टिव रखने का और उसको तंदुरुस्त रखने का और उसका जो मकावमती अंदाज है उसको जारी रखने का, वो विटामिन सी का रोल है। सही, अब विटामिन सी हमारे यहाँ एक ट्रेंड जो है वो ये आ गया है कि अगर हम बात करें, जैसे पिछले दिनों आपने सुना कि जो क्लोरोक्वीन है एंटी मलेरियल ड्रग, वो काम कर रही है कोरोना के खिलाफ, यानी उसके लिए एक्टिव है और काफ़ी कारामद है। तो हमने ये देखा कि मेडिकल स्टोर से हर एक ने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा वो दवाई खरीद ली और वहाँ से वो गायब हो गई, यानी अब जिस जो शख्स मुबतला है मलेरिया के अंदर उसको वो जो एंटी मलेरियल ड्रग है वो नहीं मिलेगी। तो इसी तरह जब हम वाइटामिन सी की बात करें तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो वो रन करेंगे, जाएंगे, भागेंगे और जैसे वाइटामिन खरीद के स्टॉक कर लेंगे और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो वाइटामिन सी जो है, हम आज के आपके प्रोग्राम के अंदर लोगों को ये अवेयरनेस देने की कोशिश करेंगे कि वाइटामिन सी का जो असल सोर्स है वो उन टेबलेट्स में नहीं है बल्कि आपकी गिजा के अंदर जो आप चीज़ें खा रहे हैं। सही, यानी कि आप अपने टैबलेट्स के ज़रिए भी लिया जा सकता है लेकिन असल हम खुराक के ज़रिए भी इसको बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब अगर हम बात करें कि
और क्या ज़रा है टैबलेट के अलावा, यानी कहीं से आपको और अवेलेबल नहीं है वाइटामिन, तो फिर आप टैबलेट की तरफ जा सकते हैं। मगर बेहतर ये है कि वाइटामिन लेने के लिए आप नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं, वो ज़्यादा इफेक्टिव है और वो ज़्यादा कारामद है। सही अब इसमें जब हम बात करते हैं वाइटामिन की, हम क्या चीज़ खाएं कि हमारा जो इम्यूनिटी है वो बेहतर हो और वाइटामिन सी जिस चीज़ से हमें ज़्यादा मिले। इसमें जो आजकल मौसम चल रहा है, उस मौसम की मुनासिबत से जो सबसे अच्छा फ्रूट है वो अमरूद है। यानी अमरूद अमरूद आप एक खा लें तो वो आपके एक दिन के लिए जो वाइटामिन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर देता ठीक है। डेली की जो रूटीन, जो एक कंजप्शन है बॉडी को चाहिए होता है वाइटामिन एक नॉर्मल मेल के लिए, वो है 90 मिलीग्राम, नाइनटी और फीमेल के लिए जो रिक्वायर्ड है वो है आप कहें कि 75 मिलीग्राम। और ऐसे अफराद जो एक कंडीशन में थे, जैसे प्रेग्नेंट हामला खवातीन हैं, उनके अंदर इसकी रिक्वायरमेंट है 120 मिलीग्राम पर डे। सही और स्पेशली स्मोकर हैं, स्मोक करते हैं, उनको एडिशनल 25% चाहिए होता है, यानी 25 मिलीग्राम उनको एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो हम इसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक अमरूद जो है उस अगर आप वो खाएं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 200 to 300 मिलीग्राम मिल सकता है वाइटामिन सी एक अमरूद से। इसी वो तरह जरूरत पूरी कर बाकी सकता है। सही पूरी कर सकते, इसी तरह जो और चीज़ें हैं सब्जियां और फ्रूट में, उनके आपको नाम ये देता हूँ, अगर आप जी वो जरूर। एक पोर्शन एक एक मकदार में ले लें तो इंशाल्लाह आपका ये पूरा हो सकता है। और ये बहुत ही सस्ती चीज़ें हैं, इसलिए आपको इस पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। इसमें एक फलों में है अमरूद, माल्टा आजकल आम है, हर जगह मिल रहा है। एक फ्रूट होता है कीवी, कीवी छोटा सा एक फ्रूट, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी मिकदार होती है इसकी, मगर वो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता। अगर किसी को अवेलेबल है तो वो ले लें, मगर अमरूद और माल्टा जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। सही आजकल जो एक और फ्रूट मौसमी है वो है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी के अंदर भी बहुत अच्छी मिकदार है। अगर आप वो भी 5 6 स्ट्रॉबेरी एक दिन में ले लें तो वो आपकी मिकदार वाइटामिन सी की पूरा कर सकती है। इसके सही अलावा पपीते का भी मौसम है, पपीता भी आप खा सकते हैं, उसके अंदर भी जो अच्छी मिकदार होती है वाइटामिन सी की। इसके अलावा कुछ सब्जियां हैं, सब्जियों में टमाटर, आजकल सरसों का साग है जो येलो वाला, जिसमें फ्लावर्स सही होते हैं, तो आप ले सकते हैं। लीमू आप ले सकते हैं, एक हरी मिर्च के अंदर, या आप जो हरी मिर्च खाते हैं उसके अंदर एक हरी मिर्च के अंदर 109 मिलीग्राम के करीब वाइटामिन सी होता है। यानी अगर आपने एक या दो मिर्चें खा ली हैं तो आपकी डेली की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। दो और मिर्चें उससे रोजाना अब आपको मजबूत बना सकती है। अगर कुछ और ना मिल रहा हो आपको तो ले लें, वरना अगर आप मिर्चें ज़्यादा खा लेंगे तो आपको मिर्चों की वजह से कोई और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। यानी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो आपने हर चीज़ एक लिमिट में खानी है। सही यानी अगर आप एक मिर्च खाना चाहते हैं आप, या दो मिर्च खाना चाहते हैं, तो एक सुबह खा लें एक रात को खा लें, ताकि आप एक साथ से आपको कोई और प्रॉब्लम ना शुरू हो जाए। इसके सही अलावा एक और सब्जी जो गोभी की तरह होती है, इसको कहते हैं ब्रोकली, उर्दू का मुझे नाम उसका याद नहीं है, मगर उसको इंग्लिश में ब्रोकली कहते हैं। ग्रीन कलर की होती है मगर गोभी की तरह उसका फूल होता है। और एक आलू है, आलू के अंदर भी काफ़ी वाइटामिन सी हमें मिल जाता है। तो ये आम सी सब्जियां हैं, अगर हम इनकी मिकदार अपने खाने की रूटीन में बढ़ा दें, और आजकल के दौर के अंदर जो ये चल रहा है, तो हम अपने प्रोटीन मिकदार कम रखें, यानी चिकन और गोश्त वगैरह हम कम रखें, और सब्जियों की तरफ और फलों की तरफ तवज्जो ज़्यादा दें। और आजकल फल और सब्जियां और इवन के जो गोश्त वगैरह की प्राइसेस मार्केट में वैसे ही कम है, तो जी अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करें तो हमें कोई इंशाल्लाह हमारी इम्यूनिटी जो है वो जिसकी कमज़ोर है उसकी भी बेहतर रहेगी। सही नॉर्मली हम लोग उस तरह से प्रैक्टिस नहीं करते कि कभी हमने वाइटामिन सी का ऐसा फ्रूट फ्रूट खा लिया और उसके बाद हफ्ते के बाद दोबारा खाया। आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है कि इतना होना चाहिए आपके पास, यानी 90 मिलीग्राम आपने डेली खाना है। अगर हम सिर्फ इसकी जो नॉर्मल मिकदार जो हमें चाहिए हम वो डेली रखें, हम क्वांटिटी ना बढ़ाएं, क्योंकि अगर आपने क्वांटिटी ज़्यादा ली तो वो वेस्ट हो जानी है, आपकी बॉडी से निकल जानी है, उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होना। इतनी खाएं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनकी इम्यूनिटी लो है, उनको आप थोड़ा सा ज़्यादा दे सकते हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, सही और ज़्यादा भी कंज्यूम करने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपकी बॉडी से निकल जानी है। यानी जितनी इतना खाएं कि जो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। और जो लोग इल हैं, जो लोग बीमार हैं, जिनको ये अर्जा लाख हो चुका है, वो अपनी मिकदार ज्यादा कर लें ताकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट अप रहे। ठीक। तो इसमें जो दीगर विटामिन्स हैं, मसलन विटामिन ए है,
या दीगर जो तर्ज ज़िंदगी के हवाले से, मसलन कहते हैं नींद के हवाले से कुछ बातें हो फिर रही हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? विटामिन ए, डी और के और ई है, मुख्तलिफ विटामिन है, हर विटामिन का रोल अलग है। देखें, जो आप नॉर्मल गिज़ा ले रहे हैं अपनी, उस जी गिज़ा के अंदर विटामिन सारे हैं, मगर अभी हम फोकस कर रहे हैं विटामिन सी को, कि ठीक है वो आपका इम्यूनिटी है उसको इंक्रीज करेगा। यानी अगर आप दूध ले रहे हैं तो उसके अंदर विटामिन है, आप सब्जियां बाकी खा रहे हैं उसमें विटामिन है, आप गाजर खा रहे हैं उसके अंदर विटामिन है। लेकिन बॉडी को रेस्ट मिलना जरूरी है, ठीक है। यानी अच्छा एक नॉर्मल आपने नींद करनी है, अगर कोई इंसान स्ट्रेस में है तो उसकी नींद जो है वो कम हो जाती है। और जो एक प्रॉब्लम इशू जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कोरोना के हवाले से पूरी वर्ल्ड के अंदर, या स्पेशली पाकिस्तान में या अपने घर में, कि एक ऐसा स्ट्रेस अपने ऊपर कारी कर लिया है कि उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी लो हो रही है। यानी अगर आपके ऊपर आपने कोई स्ट्रेस ले लिया है एक्स्ट्रा अपने ऊपर, और उस स्ट्रेस में, उस खौफ में आप चले गए, तो वो आपकी इम्यूनिटी को बिल्कुल ही ड्रॉप, उसका लेवल डाउन कर देगा, ठीक है। उसमें सही अगर आप वाइटामिन खाएंगे तो शायद वो वाइटामिन इफेक्ट ना करें, तो बेहतर है कि वो स्ट्रेस का लेवल अपना, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें। और उसके बाद, और ये स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है, अगर आप देख रहे हैं अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने दोस्त में, अपने खानदान में, अपनी फैमिली में, कि कोई ऐसा बंदा जो स्ट्रेस का शिकार है, खुसूसन इस कोरोना की वजह से, तो हमें उसको आगाही शऊर देना, उसका स्ट्रेस लेवल हमने कम करना, और सही उसके बाद फिर उसके ऊपर मेडिसिन इफेक्ट करेगी और कोई विटामिन इफेक्ट करेगा। और जो स्ट्रेस है वो बेसिकली आप कहें कि मेन एक बुनियादी वजह है इंसान के अंदर तमाम बीमारियों की पैदा करने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद साहब, आप ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ज़रूरी जो बातें थी इस हवाले से, कोरोना के हवाले से, जो हमारे नाज़रीन के लिए, देखने सुनने वालों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ुसूसन अयाम में जब एक वहमी किस्म का जो है तासुर हर इंसान दे रहा है इस तन्हाई में, ख़ुसूसन आइसोलेशन के जो डेज़ हैं, और मीडिया के अंदर कन्फ्यूजन वैसे ही बहुत ज़्यादा घूम रही है, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, तो ये बहुत उम्दा, खसूस विटामिन सी के हवाले से, बजाय इसके कि हर इंसान जो इसकी गोलियां और वो कैप्सूल ढूंढता फिरे और वो भी फिर गायब हो जाए और ज़खीरा हो जाए कहीं पे जाके, तो बहुत सादा सादा जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो आपने जिक्र फरमाए हैं कि हम इसको ख़ुराक में अगर शामिल कर लें तो हमारी रोज़ाना की ज़रूरत जो है वो पूरी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन इकराम, डॉक्टर आबिद हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे जो कि पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, और कोरोना के हवाले से हम बात कर रहे थे कि इस वक्त जो सूरत हाल, एक वबाई सूरत हाल हम पूरी दुनिया में मुशाहिदा कर रहे हैं, और आवाम के अंदर एक कन्फ्यूजन और जो वहम फैला हुआ है कि इन दिनों में वो क्या करें, कैसे अपने आप को इससे बचाएं, क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या करें, कहाँ जाएं, तो उस हवाले से बात हुई कि वायरस है बेशक, सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, और वो असरअंदाज भी हो रहा है, मुतासर भी कर रहा है लोगों को, लेकिन इतनी परेशान कुन सूरत हाल नहीं है कि अब आप बच ही नहीं सकते उससे, तो उससे महफूज रहा जा सकता है, उसके लिए चंद मोटी मोटी बातें, मतलब जो एक दूसरे से फासला रख के बात की जा सकती है, ज़रूरी नहीं है नाता तोड़ लिया जाए, फासला रख के उनसे बात करें, मास्क इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अपने हाथों को जब भी बाहर की मुख्तलिफ़ चीज़ों को हाथ लगाएं तो सैनिटाइज़र वगैरह इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो ख़ास था कि ये वायरसेस का ज़्यादा मुकाबला जो है वो हमारा जिस्म खुद करता है अंदर से, उसके क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है हम उसको मजबूत करें अगर, तो वो इस वायरस का मुकाबला खुद कर सकता है, और उसके लिए जो अहम विटामिन की बात हुई वो विटामिन सी है जो इसको मजबूत करता है इस वायरस से मुकाबला करने के लिए, और विटामिन सी के लिए फिर ज़रूरी नहीं है कि आप जो है हम सब गोलियां और कैप्सूल और ये सब तलाश करें और फिर वो भी मिलना बंद हो जाए, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि एक एक दवा का नाम आया ही था एंटी मलेरियल दवा का, अभी जिक्र ही हुआ था कि वो गायब हो गई, और फिर जो बेचारा मलेरिया में मुबतला है वो भी उसको तलाश करने से कासिर रहा, तो इसका भी आसान सा हल है कि सादा से जो फल थे, मसलन माल्टा है, अमरूद है, कीवी है, ये तो आम अवेलेबल है हमारे पास, मुहैया है, हम इनको रोज़ाना की खुराक में इनको शामिल कर सकते हैं, और सिर्फ़ एक दिन में एक इंसान जो है वो खाए तो वो उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है, ये नहीं कि हम जो है वो बहुत ज़्यादा, वो उन्होंने बताया कि उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जिस तरह को जितनी ज़रूरत है वो उतना रख लेता है, बाकी सब
ज़ाया कर देता है। तो इसके अलावा सब्जियों का जिक्र हुआ जिसमें टमाटर, सरसों का साग है, नींबू है, हरी मिर्च है। इन चीज़ों को अगर हम जो है अपने खुराक में शामिल करें तो अपने कुव्वते मुदाफ़ियत को बढ़ा सकते हैं, जो कि इस वायरस का मुकाबला करने के लिए बहुत मुफीद है। और इसके साथ साथ एहतियात है कि हम जो है मेल जोल थोड़ा सा जो फासला रख के बात करें, ज़्यादा जो चीज़ों को हाथ लगाएं तो उनको सैनिटाइज़ करें, उनको वायरस से पाक करें, घर की सफाई ज़्यादा रखें। इसी तरह बाहर से आए तो अपने हाथों को साबुन से धोएं। तो इंशाल्लाह हम जो है सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस वबा के दौरान जो है आप सबको, हम सबको जो है इस वबा से महफूज रखे और इससे बचाए। और अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि हमारे तमाम सुनने देखने वाले जो है अपने आसाब पर काबू रखें और इसको हमारे आसाब पर हावी ना होने दें। और जो अफराद जो है इससे पाक है, मतलब जो इस वहम का शिकार नहीं हुए, इस खौफ का शिकार नहीं हुए और दबे नहीं हैं और अपने अंदर एक कुव्वत महसूस करते हैं, उनके लिए ज़्यादा एक ज़िम्मेदारी इन दिनों में बन गई है कि वो कोई ज़िम्मेदारी लें अपने ज़िम्मे और बाहर निकलें, और जो इसमें दब गए, इस खौफ में या मुब्तला हो गए हैं उनकी मदद करें। ये जो मालूमात अभी हम मसलन शेयर की है यहाँ पे आप लोगों के लिए पेश की गई है, ये मालूमात उनको भी दें जाके, और उनको हौसला दें, उनका हौसला बढ़ाएं कि ठीक है वबा है लेकिन उसका मुकाबला भी किया जा सकता है। अपने अपने इलाकों की सफाई का ख्याल रखें, नौजवान खुद निकल के जो है वो जिस तरह के हमने एक इस्लामाबाद में देखा है, जवान जो है अल-मुस्तफ़ा स्काउट्स के नाम से उन जवानों ने खुद से एक कदम उठाया, अपने इलाके को साफ करने की कोशिश की है, वहाँ पे एक क्वारंटाइन सेंटर बनाने की कोशिश की है, और ताकि जो इसमें मुब्तला हो उनकी उनकी केयर भी की जा सके, उनका ख्याल रखा जा सके। तो ये काम हम खुद कर सकते हैं इंशाल्लाह, और हमें उम्मीद है कि सब हम जो देखने सुनने वाले अफराद हैं, हमारे बहन भाई, वो हौसला बंद हो, उनका हौसला बुलंद हो और वो ज़िम्मेदारियाँ लें और अपने अपने इलाकों में जो है इस वबा से महफूज रहने के लिए और अपने तमाम लोगों को, इंसानों को इससे महफूज रखने के लिए वहाँ पे अपने अपने तौर पर जितने भी वसाइल मौजूद हैं उन वसाइल के साथ जो है वो इकदाम करेंगे इंशाल्लाह। खुदा आप सबका, हमारा, हम सबका हामी और नासिर हो। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।